हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये सच्ची घटना है। मुंह पर ब्राउन पेंट लगाए अमेरिकी CIA एजेंट्स प्लूटोनियम की 7 कोर, एक रिमोट सेंसिंग एंटीना और हिमालय के पहाड़ों की। ये कहानी है ऑपरेशन हैट की, जो 1965 में अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी CIA ने भारत सरकार की मदद से किया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बात तो 1965 की थी, अब इसके बारे में सोच के क्या फायदा, तो भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार ने 1965 में जो गलती की थी वो इतनी बड़ी थी कि अगर आज भी कुछ गड़बड़ हो गई तो हिंदुस्तान की आधी आबादी ना सही लेकिन करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 1964 में। चाइना ने नई नई जिम शुरू करी होती है और उसके टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के मसल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब इसी दौरान चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के आदेश दे दिए, तो भैया चाइना ने बम फोड़ दिया। अब जब ये बम फूटा तो सबसे पहले लूज मोशन लगे अमेरिका को, हाय हाय चाइना ने ये क्या कर दिया, ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अब भैया गुड़गुड़ तो हिंदुस्तान की सरकार के पेट में भी हो रही थी, लेकिन चीन की सरकार हिंदुस्तानी सरकार से कहती है, आओ माओ चाओ, हिंदी चीनी तो भाई भाई हैं, आप टेंशन ना लो जी, हम तो बस ये देख रहे थे कि आखिर ये फूट कर लगता कैसा है, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना रहे, वो तो बस ऐसे ही गलती से हो गई टेस्टिंग, आप इसे सीरियस ना लो। और आपको तो पता ही है हिंदुस्तानी सरकार लग गई ऐसी तुसी में, उन्होंने चाइना पे यकीन भी कर लिया। तो कहानी शुरू होती है 1965 में। अमेरिका वियतनाम में अपनी जंग लड़ रहा था, मतलब लड़ क्या रहा था, वेत कोंग ने अमेरिका का मार मार के भूत बना रखा था। वेत कोंग ये वियतनाम के वो गोरिल्ला फाइटर्स थे जो कि छुपकर हमला करने में एकदम माहिर थे। अमेरिका को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन पर कहां से और कौन हमला कर रहा है। लेकिन इस घटना से अमेरिका की तो रातों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि भैया सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्टों का राज था और चाइना में भी कम्युनिस्टों का राज था, और कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट तो भाई भाई होते हैं। अब अमेरिका की परेशानियां कारण ये था कि एक कम्युनिस्ट देश के पास तो पहले से ही न्यूक्लियर बॉम्ब थे और दूसरे ने टेस्टिंग कर ली, तो भैया अमेरिका आजू बाजू चढ़ाकर लग गया चीनियों की जासूसी में। लेकिन 1965 में वो फंस गया वियतनाम की जंग में। अब देखो अमेरिका रशिया से भी उलझा पड़ा था, अमेरिका वियतनाम में भी फंसा हुआ था, और अमेरिका को पीछे से चीन भी सुई चुभा रहा था, तो भाई सब चीखें तो निकलनी थी। और जब अमेरिका की चीखें निकली तो अमेरिका ने सोचा, यार किसी दोस्त को ढूंढो और इस सरदर्दी को उसके मत्थे मर दो, कौन मिलेगा ऐसा सुशील संस्कारी देश, और वो हम थे। हाँ जी, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हर कोई हमारा फायदा उठा रहा था। अब अमेरिका भागा भागा इंडिया के पास आता है और 1965 में मोरारजी देसाई की सरकार से कहता है, देखो गुरु चाइना ने कर ली है न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग, और महाराज ये बम ना आप पर ही फोड़ा जाएगा, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि चाइना के अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई है ही नहीं जो चाइना को कुश्ती में चैलेंज कर सके, पर आप कर सकते हो, तो ये बॉम्ब आपके लिए ही बनाया गया है, तो अगर आप हमारी मदद करो तो हम भी आपकी मदद करेंगे चाइना के खतरे से निपटने में, बताओ कैसी लगी मेरी बात, क्या दोगे आप मेरा साथ। अब भाई साहब अमेरिका की ये बात सुनकर भारत देश की सरकार, बताइए क्या करना होगा, आदेश दे। अब देखो जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको लेकर ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, लेकिन अगर उस समय के घटनाक्रमों का लब्बो लबाव निकाला जाए तो मतलब यही निकलता है, और क्योंकि पर्सनली मैं थोड़ा मजाकिया इंसान हूँ तो मैं इसी तरह से समझाऊंगा। अब अमेरिका भारत सरकार से कहता है, देखो तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सारी लिखा पढ़ी करके बैठा है, मैंने सारा हिसाब किताब लगा लिया है क्या चाहिए कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए, तो तुम चैन की गोली गटको और आराम फरमाओ, मैं अपने देश से ऐसे काम में एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पर भेजता हूँ। अब भैया अमेरिका भारत में बड़ी बड़ी बातें बोल तो आया, लेकिन खड़ी हो गई समस्या, क्योंकि अमेरिका को ऐसे लोगों की टीम चाहिए थी जो बर्फीले पहाड़ को चढ़ने में एक्सपर्ट हो और रेडियो एक्टिव मटेरियल की हैंडलिंग भी जानती हो। अब ये दोनों खूबी एक इंसान में ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, तो अमेरिका ने पूरे देश में से लोगों को चुन चुन कर अपनी एक एवेंजर्स की टीम तैयार करी। हाँ मतलब ये नाम मैंने दिया है, पर उस टाइम के ये एवेंजर्स ही थे, क्योंकि इनके अलावा पूरी दुनिया में ये काम कोई और कर ही नहीं सकता था। अब अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA और भारत की IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 18 लोगों की टीम तैयार करी, जिसमें 14 अमेरिकी और 4 भारतीय थे। अब मैं इस मिशन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स क्लियर कर देता हूँ। पहला चीज, आखिर ये निगरानी रखते कैसे होंगे, तो देखिए रिमोट सेंसिंग डिवाइस एक ऐसा उपकरण होता है जो मिसाइल और उसके कमांड सेंटर के बीच में हो रहे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी के सुन सकता है बिना किसी को पता लगे। तो अमेरिका ने ये रिमोट सेंसिंग डिवाइस अपने ही देश में क्यों नहीं खड़ा करा, ये निगरानी रखने का काम अमेरिका ने अपने देश से क्यों नहीं किया, तो देखिए पहली चीज तो ये कि निगरानी रखने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ा टावर बनाना पड़ता, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ऐसा है कि अमेरिका से ये निगरानी रखने वाला काम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बीच में पहाड़ भी आते, कहीं धरती ऊंची है और कहीं पर नीची भी है, और चीन से अमेरिका की दूरी भी बहुत ज्यादा थी, तो उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अमेरिका ने ये सोचा कि उसे किसी तीसरे देश की मदद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अमेरिका को रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की 7 कोर हिंदुस्तान में
आने की क्या जरूरत थी, डीजल जनरेटर लगा लेते, सोलर पैनल लगा लेते, कुछ और जुगाड़ कर लेते भाई। ये 7 रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की कोर हिंदुस्तान के सर पर रखने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, नंदा देवी पहाड़ की चोटी पर तापमान इतना कम हो जाता था कि वहाँ पर कोई भी डीजल जनरेटर ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाता। दूसरा कारण, कोई भी बैटरी इतनी टफ कंडीशन में ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तीसरा कारण, मौसम इतनी जल्दी जल्दी खराब होता था कि सोलर पैनल भी कोई काम के नहीं थे, तो रिमोट सेंसिंग एंटीना को पावर देने का सिर्फ एकमात्र रास्ता रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम ही बचा था। बस यही था कारण कि अमेरिका ने 7 रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की कोर नंदा देवी के पहाड़ पर ले जाने का मन बना लिया। और भारत सरकार का रवैया तो आपको पता ही था, पहले आई ईस्ट इंडिया कंपनी, हम तो व्यापारी हैं जी, कर लें क्या आपके यहाँ व्यापार, और हमारे देश के राजा महाराजा आओ जी आओ, अतिथि देवो भव, और फिर इसी अतिथि ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम लंबी दूरी तक नहीं सोचते थे, अब ऐसा नहीं है, अब हालात बदल गए हैं, अब टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के मसल हमारे भी इतने बड़े हो चुके हैं कि हम भी किसी के कान लाल कर सकते हैं। और मेरे लिए पर्सनली तो ये गर्व करने की बात है। अब क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था, तो भैया अमेरिकन तो थे गोली चमड़ी वाले, तो पहाड़ी गांव के रहने वाले लोग जो हो सकता है किसी देश के लिए जासूसी कर रहे हो, ये खबर चीन तक पहुंचा सकते थे। तो अब अमेरिकियों को बदलना था अपना हुलिया, तो वो लगाना शुरू करते हैं ब्राउन पेंट। हाँ जी, ये सच्ची घटना है। अमेरिकी अपने चेहरे पर ब्राउन पेंट पोत कर, यानी के हाथों पर, पैरों पर, हर उस जगह पर जिस पर किसी की नजर पड़ सकती है, ब्राउन पेंट पोत कर हिंदुस्तानियों जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि पहाड़ पर किसी भी तरीके से उनके द्वारा ले जाए जा रहे सामान को पहुंचाना लगभग नामुमकिन था, तो अपने सामान को टुकड़ों में करके ये सब लोग कंधे पर लाद कर ले जाते हैं। तो जिस जगह इन्हें पहुंचना था, उस पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही एक बहुत तेज तूफान से इनका सामना होता है। तो उस समय के टीम लीडर भारत के वीर सपूत मनमोहन सिंह कोहली ये डिसाइड करते हैं कि भैया अगर जिंदा रहना है तो सामान को यहाँ पर कहीं छुपा दो और नीचे निकल लो, बाद में आके देखेंगे। तो ये सभी लोग अपने द्वारा लाए गए सामान को पहाड़ों में एंकर्स की मदद से बांध कर नीचे चल पड़ते हैं। इसके बाद मई 1966 में जब इस सामान की खोज करने के लिए दोबारा टीम भेजी जाती है, तो ये सामान उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद अमेरिका न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स की मदद से एक और मिशन लॉन्च करता है ताकि वो इन रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की कोर को रिकवर कर सके, लेकिन ये कोर आज तक, हाँ जी आज की तारीख तक किसी को भी नहीं मिली, किसी को पता ही नहीं है कि आखिर ये गई कहाँ। अब बात करते हैं उस बात की कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि ये घटना आज भी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही ला सकती है। देखिए, अगर रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम लीक हो जाए, पहाड़ों में लीक हो जाए, बर्फ में लीक हो जाए, तो उससे पैदा होने वाली गर्मी और गंगा का पानी पूरी तरह से किसी भी तरीके के इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा। और क्योंकि ये पानी जमीन के अंदर भी जाता है, और आज भी भारत में अधिकांश घरों में अधिकांश जगहों पर हैंडपंप या डायरेक्ट जमीन से पानी निकालकर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दूषित हुआ पानी यानी रेडियो एक्टिव पानी करोड़ों लोगों की जान लेने में सक्षम है। क्या हम इस कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर को टालने के लिए कुछ कर सकते हैं? वेल, नहीं, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि प्रकृति के कंट्रोल में है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन कभी ना आए। तो जी, ये था एक छोटा सा किस्सा भारतीय सरकार और अमेरिका के द्वारा किया गया ऊटपटांग काम का। अब देखिए, यहाँ पर आपका ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि इस महान देश के भविष्य में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो आप में से ही निकलने वाले लोगों के हाथ में होंगे। तो मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार का अमेरिका के साथ मिलकर काम करना क्या सही था, या आज की तारीख में क्या सही है? क्या अब हम अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।